छात्रों के द्वारा विशाल फैशन शो, ये खबर आ रही है हांसी से। आपको बता दें कि एसडी महिला कॉलेज में छात्रों के द्वारा एनुअल फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के साथ कॉलेज की अध्यापिकाएं भी रैंप पर नजर आई। इस समारोह के मुख्य अतिथि अग्रोवा विकास ट्रस्ट हांसी के प्रधान विनय जैन व गौरव जैन थे। देखिए फैशन शो की कुछ झलकियां। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आप हरियाणा पोलखोल न्यूज को एसडी महाविद्यालय की तरफ से सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। आज हमारे कॉलेज में एनुअल फैशन शो था, जिसमें गर्ल्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी डिजाइन की हुई ड्रेसेस को प्रस्तुत किया सभी के सामने और अपने टैलेंट को शो किया, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ था। बिल्कुल सर, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, उन्होंने उन सभी पार्टिसिपेंट्स को, विनर्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज देकर सम्मानित किया गया है। मैडम जी, बच्चों के साथ आप भी रैंप पर आए? जी सर, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, सभी प्रोफेसर ने, और आनंद लिया आज इस शो का बच्चों के साथ साथ। बच्चों को पढ़ाते भी हो और बच्चों को बिल्कुल सर, एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है बच्चों के टैलेंट को सर्च करना, ये हमारा ही मोटिव है। और हम चाहते हैं कि और भी जो हमारे दर्शक है, जो आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हर इंसान को पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो भी उसकी हॉबीज होती हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से आगे लेकर आना चाहिए, और यही मेरा मैसेज है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज। इस समय मैं हांसी की प्रमुख संस्था यानी कि एसटी महिला कॉलेज के अंदर, और यहाँ यानी कि एनुअल फैशन शो चल रहा था उसको लेकर आज हम बता दें आपको, हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति विनय जैन जी यहाँ मौके पहुंचे हुए थे, और ये पीछे की साइड दिखा रहे हैं आपको, यहाँ मौजूद है। और यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश गुप्ता जी जो चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो भी मौके पर मौजूद है। हम बातचीत करेंगे और आपको जो कार्यक्रम हुआ है फैशन शो का, वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। चलते से सबसे पहले हम जो प्रचारी जी है उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी, मैं आज एसडी महिला महाविद्यालय में एनुअल फैशन शो 2023 मेरे महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा आयोजित किया गया। श्री विनय जैन जी जो कि प्रधान अग्रवा विकास ट्रस्ट हादसी हैं, आपने अपनी यहाँ एक तरह से सानिध्य में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल, जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंट थी उन्होंने अपनी नेक कमाई से इसको वहन करने के लिए आश्वस्त किया, और अपनी नेक कमाई से महाविद्यालय को इस प्रोग्राम के लिए 21,000 रुपये दिए हैं। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार के इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में धन की आवश्यकता होती है और प्राचार्य के लिए लिमिटेशंस होती है, और आपने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए आज पूरा दिन पूरी महाविद्यालय की छात्राओं ने, जैसा कि आपने देखा, और पूरी फैकल्टी ने भरपूर आनंद उठाया, और ये एक बहुमुखी प्रतिभा को उभारने के लिए बहुत एक अच्छा आयोजन था। और मैं इस सब के लिए जितने भी अतिथि हैं, श्री आशीष गोयल जी, श्री नितिन सिंगला जी, श्री गौरव जैन जी, और जो भी हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली प्रधान श्री विनय जैन जी का। सर बताइएगा, ये जो फैशन शो चला है ये अब की बार हुआ है, पहले भी उतरा है? ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम बिल्कुल डंप पड़ा था, और मेरे आने के बाद इसको मैंने इसको क्रिया रूप दिया, क्योंकि यूजीसी ने इसको स्टार्ट किया था एड ऑन कोर्स, इस एक तरह से फैशन डिजाइनिंग कोर्स के तहत, जो लड़कियों में जैसे सिलाई स्टिचिंग से कनेक्टेड है, जो अपने समय को जो डेली एकेडमिक क्लासेस के अलावा कोई अलग से बहुमुखी प्रतिभा उभारना चाहती है, तो वो इसमें हम एनरोल करते हैं। इसमें कोई भी फीस वीस नहीं होती, तो इसके अंदर जो है ना, इस फैशन डिजाइनिंग कोर्स मैंने इसको उठाया और इसको आगे उभारने के लिए ये फर्स्ट फैशन शो, एनुअल फैशन शो मैंने इसको स्टार्ट किया 2023, और ये आगे भरपूर इसका आयोजन किया जाएगा। गुप्ता जी, कहीं पर आप कुछ भी हो आगे नजर आते हो? बिल्कुल, क्योंकि छात्राओं को एक तरह से इम्पावर करना मेरी ड्यूटी है, और मैं कोई भी कैसी कसर नहीं छोड़ता, और मेरे को समाज का, जैन साहब जैसी शख्सियत का सहयोग, और वो कहते हैं धनराशि मिलती रहती है, मैं कार्यक्रम आयोजित करता। सर एक छात्राओं के साथ देखा गया, छात्राओं तो रैंप पर आई आई फैशन शो में, और उसके बाद टीचर भी साथ में कूदे जी रैंप पर जी, क्योंकि छात्रा को ये लगना चाहिए कि महाविद्यालय की जो प्राध्यापक जो हमें अध्ययन कराती हैं, वो भी हमारे इस कार्य में पूरा इंजॉय करती है और हमें कोऑपरेट करती है, सहयोग देती हैं, और उनको भी अच्छा लगता है, अपनी स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा को दिखाने का, सबको दिखाने का मौका था।
कार्यक्रम होते हैं, शहर में बहुत होते हैं, वहाँ पर अग्रह विकास ट्रस्ट के प्रधान विनय जैन जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन समय बहुत वहाँ कम देते हैं। यहाँ पर पूरा समय दिया विनय जैन ने, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आज बहुत समय दिया आपने, आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे कल इनविटेशन दिया और बहुत अच्छा लगा, और आज जो प्रोग्राम कर रखा था ये वाकई ही तारीफमंद है, और हमारे देश की बेटियां आगे जा रही हैं इसका बेस्ट उदाहरण आपने देखा। और मैं प्रिंसिपल साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे कोई भी प्रोग्राम मेहंदी का या कोई भी एक्टिविटी कराते रहें और देश की बेटियों को और आगे ले जाते। विनय जी आपने मन से दो बात कही थी, वो भी सर में चुभ रही है, वो बता दे। बस मुझे इस बात का गर्व है, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, गर्व है ये विनय जैन जी को। और गौरव जैन जी भी इनसे थोड़ा बहुत, गौरव जैन जी आपको क्या लग रहा है? सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम एसडी महिला महाविद्यालय के प्रचार है डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी का दिल के व्यवहार से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। विनय जी ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी किसी बेटी के बाप हैं और कहीं आपने माँ की कोख से भी जन्म लिया है? जी बिल्कुल साहब, आज वो पुराने दिन वो है रियलाइज हो गया, और मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी का पिता हूँ। कहीं ना कहीं नारा लगना शुरू हो गया सर, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि आप ये नारा लगवाएं। तो मैं सोचता था विनय जी आए हैं और गौरव जी आए हैं और साथ में धर्मपत्नी भी धनवा होगी, लेकिन वे नहीं आए समाज सेवी का। आगे पक्का जो कॉलेज का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हम विद फैमिली यहाँ पहुंचेंगे। गौरव जी बनना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये थे समाज सेवी शहर के गौरव जैन जी, विनय जैन जी, अक्सर हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी बहुत अधिक रहती है। आज यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहने की छात्राओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। Thank you.